जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है दैनिक राशिफल 27 दिसंबर 2017 विक्रम संवत 2074 पौष महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। योग परिग है, करण बालव और दैतिल है और चंद्र नक्षत्र जो है वो रेवती है रात को 1:37 तक और उसके बाद नक्षत्र होगा अश्विनी। और आज का जो चंद्र है वो मीन एवं मेष राशि के चंद्र है, वार बुधवार है 27 दिसंबर 2017। तो मीन एवं मेष के चंद्र है, आज चंद्र जो मीन राशि में से मेष राशि में जा रहे हैं तो बदलते हुए चंद्र जो है वो आज वर्गोत्तमी रहेंगे। वर्गोत्तमी चंद्र जब होते हैं तो लोगों की विचार शक्ति बढ़ जाती है, विचार वायु बढ़ जाता है, तो थिंकिंग पावर बढ़ जाता है, कहने का मतलब है तो माइंड ज़्यादा चलता है, ऐसा हो सकता है। तो प्रथम राशि मेष राशि के लिए बात करेंगे, आज 12वें स्थान से चंद्र आपके राशि के अंदर आ रहे हैं तो खर्च आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है। यात्रा प्रवास के अंदर आपका खर्च हो सकता है और एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से आपको कुछ जरूर शुभ संदेश मिल सकता है। वृषभ राशि के लिए आज चंद्र 11वें स्थान से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे तो मित्रों से लाभ रहेगा। और 12वें स्थान में जब चंद्र रहेंगे, चंद्र बदलते हैं रात को 1:37 को 27 तारीख की रात को, मतलब इंडिया टाइम पर 28 तारीख हो जाएगी और चंद्र चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, तो आपके लिए भी दिन शुभ है, आपको मित्रों से लाभ रहेगा और हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग के अंदर खर्च हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, ऐसा हो सकता है। मिथुन राशि के लिए भी दिन बहुत शुभ है, आपके बिजनेस में कारोबार में तरक्की होती है, मित्रों से लाभ रहेगा, लव मैटर में सक्सेस होगी, संतान रिलेटेड आपकी कार्य हो सकते हैं। कर्क राशि वाले जो भी जातक है इनके लिए भी दिन शुभ है, आपके लिए भाग्य स्थान से चंद्र निकल कर चलेंगे 10वें स्थान के अंदर तो भाग्य में वृद्धि करने वाला दिन है, आपका ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी है, बिजनेस के करियर के रिगार्डिंग 10वें स्थान के चंद्र आपको कार्य में सफलता देने वाले बनेंगे। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं आपके लिए भी दिन शुभ है, अष्टम स्थान से चंद्र चलेंगे आपके भाग्य स्थान के अंदर, लेकिन आज का जो दिन है वो आपको शांति से पास करना होगा, खास करके फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर और व्हीकल ड्राइव में, और खास करके यदि आप नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं आपके लिए दिन मध्यम प्रकार का माना जाएगा, क्योंकि आपके सप्तम स्थान से चंद्र अष्टम स्थान के अंदर जा रहे हैं तो आपके लिए दिन सामान्यतः मध्यम प्रकार का माना जाएगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, व्हीकल ड्राइविंग केयर करें और फाइनेंशियल मैटर के अंदर विशेष केयर करें। तुला राशि वाले जो भी जातक हैं आपके लिए भी दिन शुभ है, 6वें स्थान से चंद्र सप्तम स्थान के अंदर चलेंगे तो रोग शत्रु पर विजय रहेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी दिन शुभ है, 5म एवं 6वें स्थान के चंद्र हैं आपके लिए लव मैटर में सक्सेस है, मित्रों से लाभ रहेगा और एब्रॉड कनेक्शन या एब्रॉड रिलेशन से आपको बेनिफिट मिल सकता है। धनु राशि के लिए भी दिन मध्यम प्रकार का रहेगा, क्योंकि आपके 4थे एवं 5वें स्थान के चंद्र हैं तो 4थे चंद्र जाते जाते आपको टेंशन देने वाले बनेंगे। रिलेशनशिप में खास करके केयर करें अपने मदर एवं फादर के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ। मकर राशि वाले जातक के लिए दिन शुभ है, पराक्रम स्थान के चंद्र है, पराक्रम में वृद्धि होती है। और कुंभ राशि वाले जातक है इनके लिए भी दिन बहुत शुभ है, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होनी है, वाणी से धन प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके चंद्र धनस्थान से निकलकर पराक्रम स्थान के अंदर जा रहे हैं और वर्गोत्तमी चंद्र डेफिनेटली फाइनेंशियल बेनिफिट करने वाले रहेंगे। और मीन राशि वाले जातक है इनके लिए भी दिन बहुत शुभ है, आपको भी वाणी से धन प्राप्ति होती है और यात्रा प्रवास से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। आज का जो नक्षत्र है वो रेवती है तो आज का जो लकी कलर रहेगा ग्रीन,
घर से आपको हरा वाला मूंग खा के निकलना चाहिए। आज का जो दिन है ये तीन नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जो कोई भी जातक का जन्म पुष्य अनुराधा एवं उत्तर भद्रपद नक्षत्र में हुआ है इनके लिए दिन बहुत शुभ है। वाणी से धन प्राप्ति होती है, धन का आगमन होता है, कुछ शुभ संदेश मिल सकता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। और गुरु के नक्षत्र में जन्मे हुए जातक जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भद्रपद, ये नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को थोड़ा सा चिंता टेंशन का माहौल हो सकता है। तो खाने में हरा वाला मूंग का प्रयोग करें। और रेवती नक्षत्र में गज योनि आती है तो हो सके तो आपके आसपास कहीं हाथी हो तो आप हाथियों को खिलाएं रेवती नक्षत्र की शांति के लिए। ऐसा ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ये सही प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें। नंबर इस प्रकार है 9998011838। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। देखते रहिए ऐसे ही नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।